Clash of Clans. हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्लैश विद अवेज में। यहाँ हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी अटैक स्ट्रेटजीज जिससे आप इजीली 3 स्टार कर सके। लास्ट वीडियो में हमने देखा था गोबो विच स्ट्रेटजी या जैप इन्फर्नो स्ट्रेटजी जो इजीली आपको 3 स्टार्स दिला सके। ये ओवर पावर स्ट्रेटजी है जो इजीली आपको 3 स्टार्स दिला सके अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करें। मुझे उम्मीद है आपने प्रैक्टिस की होगी और ये स्ट्रेटजी बिल्कुल काम करी होगी आपके लिए और आपको वॉर में इजीली 3 स्टार दिलाएगी ये स्ट्रेटजी। अच्छे से स्ट्रेटजी का उपयोग करिएगा। और चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप न्यू कमर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आज हम देखने वाले हैं पेका बोबेट स्ट्रेटजी जो आपको 3 स्टार्स दिलाएगी। चलिए, इस आर्मी में मैं यूज़ करूँगा 4 पेकास, 1 इलेक्ट्रो ड्रैगन, 6 बॉलर्स, 5 हीलर्स और 6 विजर्ड्स। स्पेल्स में हम लेने रेज, 4 फ्रीज, 1 पॉइजन, 4 बैट स्पेल्स। ये बैट स्पेल स्ट्रेटजी है तो हमें इसमें बैट यूज़ करना है। पेका बोबेट का मतलब पेका, बॉलर्स और बैट स्पेल। और सीसी में है जायंट और 5 बॉलर्स और लॉग लॉन्चर और 2 बैट स्पेल्स। चलिए करते हैं अटैक। ये बेस आप देख सकते हैं फुल मैक्स्ड आउट बेस है, TH-11। तो हम इसमें एक कॉर्नर से अटैक करेंगे और इन्फर्नोस आप देख सकते हैं दोनों सिंगल पे है। बैट स्पेल में मल्टी इन्फर्नो हो तो आप अटैक हार्ड हो जाता है। एक साइड हम डालेंगे इलेक्ट्रो ड्रैगन, वो मैक्सिमम डैमेज दे तो उसे एयर डिफेंस से दूर रखिएगा तो वो मैक्सिमम डैमेज देगा। फिर हमें एक फनल क्रिएट करना होगा जिससे हमारे ट्रूप्स अंदर जाए। तो दूसरी साइड हमने डाल लिया बारबेरियन किंग और ये क्लैन कासल में से ड्रैगन्स निकल रहे हैं तो हम पॉइजन यूज़ कर लेंगे। इलेक्ट्रो ड्रैगन ड्रैगन पे ड्रैगन का ध्यान रख लेगा और यहाँ पे हम डाल रहे हैं लॉग लॉन्चर तो वॉल्स तोड़ देगा। ये देखिए लॉग लॉन्चर की रेंज देखिए, ये वॉल भी टूट गया, पीछे का वॉल भी टूट गया और कहाँ तक जा रहा है वो। फिर हम करेंगे क्वीन वॉक, क्वीन और हीलर्स को लेके। और ये देखिए हमारी क्वीन अंदर जा रही है जो पाथ लॉग लॉन्चर ने क्रिएट किया। एक साइड का बेस इलेक्ट्रो ड्रैगन ने क्लियर किया और दूसरी साइड का बारबेरियन किंग। फिर हम सारे ट्रूप्स डाल देंगे बचे हुए, पेकास, बॉलर्स, विजीज और यहाँ रेत डाल देंगे जिससे हम इजीली काम कर सके। और ये वार्डन मेरा एयर था, आपको ग्राउंड यूज़ करना है और वार्डन एबिलिटी यूज़ करके ट्रूप्स प्रोटेक्ट करें। फिर बैट स्पेल डालेंगे तो हमें विश टावर से अपने बैट्स को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि विश टावर के एक ब्लास्ट से सारे बैट्स डैमेज हो जाएंगे। ये देखिए जहाँ हमारे बैट्स विच टावर के आसपास भी जाएंगे तो हमें फ्रीज डाल देना है। एक फ्रीज बचा है हमारा और एक विच टावर भी बचा है। जैसे ही बैट्स रेंज में आ गए हमने फ्रीज डाल दिया विच टावर के ऊपर और ये उन्होंने डिस्ट्रॉय भी कर दिया है। बैट्स की ये खासियत है कि वो सिर्फ पहले डिफेंसिस को टारगेट करेंगे और ये सारे डिफेंसिस हो चुके हैं डिस्ट्रॉय। बैट्स को आपको विच टावर से मेन प्रोटेक्ट करना है तो जितने 4 फ्रीज है तो इजीली आप विच टावर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ये उन्होंने आर्चर क्वीन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट पूरा बेस डिस्ट्रॉय हो चुका है, सिर्फ ये 4 बिल्डिंग्स बची है। बैट्स की स्पीड देखिए क्या स्पीड में आ रहे हो। और ये हमारे 3 पेकास बचे हैं 4 में से, आर्चर क्वीन फुल हेल्थ पे और ये हो चुका है हमारा अटैक 3 स्टार। तो देखिए ये थी हमारी स्ट्रेटजी पेका बोबेट। अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें तो आप इजीली 3 स्टार ला सकते हैं। यहाँ पर फनल करना मेन होता है, फनल यानी एक पाथ क्रिएट करना जिससे आपके ट्रूप सारे अंदर जाए। तो हमने फनल क्रिएट किया था, एक साइड पे इलेक्ट्रो ड्रैगन और दूसरी साइड पे बारबेरियन किंग से और फिर हमारे आर्चर क्वीन अंदर गई। लॉग लॉन्चर से हमने वॉल्स डिस्ट्रॉय कर दिया था। लॉग लॉन्चर की एबिलिटी बहुत हाई है, वो 3-4 वॉल्स एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है।
और फिर हमने सारे ट्रूप्स छोड़ दिए थे, बेकास, बॉलर्स, वीज और वार्डन। चलिए फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट अटैक। ये बेस मिला है, यहाँ पर भी दोनों इन्फर्नो सिंगल है। मल्टी इन्फर्नो का तो वो भी विश टावर जैसा डैमेज दे सकता है, जो हमारे बैट्स के लिए बहुत मुश्किल कर देगा, इससे हम थ्री स्टार्स नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको सिंगल इन्फर्नो मिल रहा है तो आप पैका वो बैट इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैका की जगह लिए तीन सुपर आर्चर्स, क्योंकि मेरे सुपर आर्चर्स एक्टिव थे तो मैंने सोचा कि ना उन्हें यूज़ कर लिया जाए। और बाकी एक ही आर्मी पूरी सेम है, लॉग लॉन्चर है, आर्चर क्वीन है, वार्डन है, सब सेम है। चलिए फिर करते हैं अटैक। एयर डिफेंसिस से दूर रख के हमने इलेक्ट्रो रैगन को छोड़ दिया यहाँ पे, वो मैक्सिमम डैमेज देगा। हिडन टेस्ला यहाँ पे एक आया है और ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रो रैगन का डैमेज। एक साइड का बेस वो क्लियर कर जाएगा, इलेक्ट्रो रैगन का काम हो जाए फिर हम क्वीन वॉक शुरू करेंगे। और ये इन्फर्नो ने इलेक्ट्रो ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो अब हम चालू करेंगे हमारा क्वीन वॉक, क्वीन विथ हीलर्स। एक साइड का बेस क्लियर हो चुका है, अब वो साइड पे क्लियर करना है। और ये लॉग लॉन्चर भी हमने डाल देना है, क्योंकि जब तक लॉग लॉन्चर वॉल्स तोड़ेगा तब तक क्वीन यहाँ साइड का डिस्ट्रॉय कर देगी, और वो वॉल्स तोड़ेंगी तो क्वीन अंदर भी जाएगी। अगर लॉग लॉन्चर को डालने में आपने देरी की तो क्वीन अंदर नहीं जाएगी और पूरा बेस का चक्कर घुमा लेगी। यहाँ पर हमारा बारबेरियन किंग डाउन है, तो हमने एक साइड पे पैका को यूज़ कर लिया है फनल क्रिएट करने के लिए। और ये फनल क्रिएट हो चुका है, तो हमने सारे ट्रूप्स छोड़ दिए, पैकास, बॉलर, सुपर आर्चर्स, वार्डन सब छोड़ दिया। लॉग लॉन्चर में से जो ट्रूप्स निकले थे उनके लिए रेज यूज़ कर लिया, और ये पैकास पूरे अंदर जा चुके हैं। वार्डन एबिलिटी यूज़ करके स्टार्टिंग में ट्रूप्स को प्रोटेक्ट करें जब मैक्सिमम डिफेंसिस ओपोनेंट के एक्टिव हो। फिर हम चालू करेंगे हमारा बैट्स। यहाँ पे हमने फ्रीज डाल दिया है विश टावर के ऊपर, और एक बार डालेंगे नहीं तो विश टावर डिस्ट्रॉय कर देता। यहाँ पे देखिए हमें फ्रीज डालना नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि वो विश टावर का पैका पे फोकस था, यहाँ पर भी उसका फोकस पैका पे है, तो हमें फ्रीज यूज़ नहीं करना है। दो फ्रीज हमारे बचे हैं, तो एक हमने इन एक्सबॉक्स पे डाल दिया, और एक फ्रीज बचा है और एक विश टावर, और ये विश टावर को हमने फ्रीज कर दिया। तब तक वार्डन और सुपर आर्चर्स ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, और ये सारे ओपोनेंट के डिफेंसेस हो चुके हैं डिस्ट्रॉय। हमारे बैट्स बचे हैं बहुत सारे, सुपर आर्चर्स बचे, पैका और क्वीन हमारी नहीं बच पाई। एक साइड से पैकास अटैक कर रहे हैं, बीच में ये बैट्स देखिए बहुत स्पीडली अटैक करते हैं बैट्स, और वहाँ पे सुपर आर्चर्स और एक विजार्ड बचा है। और ये हमारा अटैक हो चुका है थ्री स्टार्स। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट अटैक की ओर। याद रखिएगा फनल क्रिएट करना है। ये बेस आप देख सकते हैं मल्टी इन्फर्नोस है, तो ये सबसे डिफिकल्ट बेस है इस स्ट्रेटजी के लिए। तो मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि क्या हम इस पे थ्री स्टार्स कर पाएंगे। चलिए फिर देखते हैं क्या लगता है हम कर पाएंगे, लेट्स सी। ये बेस थोड़ा अलग है, यहाँ पे देखिए सारे एयर डिफेंसेस कॉर्नर पे है, तो हमारा इलेक्ट्रो ड्रैगन इजीली मर जाएगा, इसलिए हम पहले क्वीन वॉक से शुरुआत करेंगे। क्वीन ये एयर डिफेंस को ले जाएगी, उसके बाद हम इधर साइड में बारबेरियन किंग डाल रहे हैं फनल क्रिएट करने के लिए, और फिर जब उधर का एयर डिफेंस डिस्ट्रॉय हो गया तो यहाँ पे हमने डाल दिया इलेक्ट्रो ड्रैगन, वो उस साइड की बिल्डिंग्स को डैमेज देगा, और बारबेरियन किंग्स दूसरी साइड की बिल्डिंग्स को डैमेज देते हुए, और लॉग लॉन्चर डाल दिया हमने जो वॉल्स तोड़ेगा। और ये हमारा फनल हो चुका है क्रिएट, तो हम सारे ट्रूप्स डाल देंगे, पैकास, वार्डन, बॉलर्स, सुपर आर्चर्स, और ये सारे अंदर जाते हुए। और ये सीसी में से निकला है इलेक्ट्रो ड्रैगन, तो हम पॉइजन यूज़ करेंगे, ट्रूप्स को प्रोटेक्ट करेंगे वार्डन एबिलिटी से। और ये हम देख सकते हैं बैट स्पेल्स हमने चालू कर दिए हैं, फ्रीज डालना है, यहाँ पर मल्टी इन्फर्नो बहुत डैमेज दे सकता है तो उसे फ्रीज रखना ज़रूरी है।
और वहां पर हमारी क्वीन ने ईगल आर्टिलरी डाउन कर दी है। ये बेस एक एंटी थ्री स्टार बेस है विथ मल्टी इन्फर्नोस, जो इस स्ट्रेटजी के लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो हमारे बैट्स नहीं बच पाएंगे, लेकिन हमारे मोस्ट ऑफ ट्रूप्स बचे हुए जो तीनों साइड से अटैक कर रहे हैं। बीच में आप देख सकते हैं बॉलर्स है और सुपर विचिस है, सुपर आर्चर सॉरी, और एक साइड पे हमारे क्वीन जो अब डाउन हो गई। दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं तीनों के तीनों पैकास हमारे सेफ है और वार्डन फुल हेल्थ पे, एक हीलर पैकास को हील दे रहा है जिससे वो फुल स्ट्रेंथ पे है सारे पैकास। क्या हम ये थ्री स्टार कर पाएंगे? बैट्स हमारे नहीं बचे, क्वीन नहीं बची, बचे हैं पैकास और बॉलर्स। पैकास के हिट पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है, तो हम एक लगता है थ्री स्टार कर पाएंगे। एक फ्रीज बचा था तो वहाँ वार्डन और विश टावर पे हमने डाल दिया, और ये हमारे बॉलर्स भी हो चुके हैं डिस्ट्रॉय। बचा है अब सुपर आर्चर्स एंड पैकास, सुपर आर्चर भी हो चुके हैं डिस्ट्रॉय, लेकिन हमें पैकास पे पूरा भरोसा है वो हमारा अटैक कर जाएंगे थ्री स्टार्स। सारे पैकास फुल हेल्थ पे है और पीछे से उनको वार्डन हेल्प कर रहा है, तो हमारा इजीली अटैक हो जाएगा थ्री स्टार। और टाइम भी हमारे पास बचा है 24 सेकंड्स। और फाइनली हमारा अटैक हो चुका है थ्री स्टार। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अटैक की ओर। ये आप देख सकते हैं एक स्क्वायर बेस है जिसके हमने पहले इलेक्ट्रो ड्रैगन डाल दिया है। यहाँ पे एयर डिफेंस के रेंज से हमने देखिए दूर डाला है, दूसरे एयर डिफेंसेस भी आप देख सकते हैं। एयर डिफेंस की रेंज से दूर डाला तो हमारा एक साइड पे इलेक्ट्रो ड्रैगन फनल कर देगा, दूसरी साइड पे हम डालेंगे बारबेरियन किंग, फिर स्टार्ट करेंगे हमारा क्वीन वॉक। क्वीन वॉक के साथ ही हमें लॉक लॉन्चर भी डालना है ताकि वो वॉल्स तोड़ सके। जब तक क्वीन बाहर के बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करेंगी तब तक वो वॉल्स तोड़ देगा। ये इलेक्ट्रो ड्रैगन अपना काम करते हुए एक साइड का फनल उसने क्रिएट कर दिया। अब दूसरी साइड हम डालेंगे क्वीन वॉक करेंगे, उसके बाजू में बारबेरियन, वो उधर साइड की बिल्डिंग्स क्लियर कर देगा। फनल क्रिएट करना मेन है, अगर आपका फनल नहीं हो रहा है तो आप एक पैका भी डाल सकते हैं। यहाँ हम डालेंगे एक साइड पे पैका और एक सुपर आर्चर्स डालेंगे, वो साइड के बिल्डिंग्स पूरा बारबेरियन किंग ले गया। अगर हमारे क्वीन बाहर आए इसके लिए हमने एक पैका बाहर डाल दिया और सुपर आर्चर्स वो उस साइड के बेस को फुल्ली क्लियर कर देंगे। और एक बहुत बड़ा फनल बन चुका है यहाँ पे। लॉग लॉन्चर को देखिए आप, बहुत सारी बिल्डिंग्स को लॉग लॉन्चर ले जा रहा है। ये ईगल आर्टिलरी देखिए, थोड़ा सा ही बच गया है, नहीं तो फुल्ली डिस्ट्रॉय भी हो जाता। रेज हमने यूज़ कर दिया है बॉलर्स के ऊपर ताकि वो फुल्ली अंदर जाके डिस्ट्रॉय कर सके। यहाँ पे निकला इलेक्ट्रो ड्रैगन, हम पॉइजन डालेंगे, वार्डन एबिलिटी यूज करके ट्रूप्स को प्रोटेक्ट करेंगे। ये देखिए सारे के सारे ट्रूप्स अंदर पहुँच चुके हैं हमारे, इसे बोलते हैं एक बेस्ट फनल। यहाँ पे हम बैट्स चालू कर देंगे और वो विश टावर के पास जा रहे थे तो हमने फ्रीज डाल दिया है। जब तक विश टावर डिस्ट्रॉय ना हो फ्रीज डाल लिया करिए। और ये विश टावर हो चुका है डिस्ट्रॉय, अब सिर्फ बचा है एक विश टावर और एक फ्रीज भी है, हमने फ्रीज डाल दिया और वो भी हो चुका है डिस्ट्रॉय थैंक्स टू क्वीन एंड पैका। और ये देखिए ये साइड पे बॉलर्स अटैक कर रहे हैं और एक सुपर आर्चर्स बचा है। और ये हमारे बैट्स देखिए स्पीडली अटैक करते जाएंगे और हमारे अटैक को थ्री स्टार्स कर जाएंगे। और ये हमारा अटैक हो चुका है थ्री स्टार। उम्मीद है आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी, आप इसे ट्राई करेंगे। और आप याद रखिएगा फनल क्रिएट करना इसमें मेन होता है। फनल क्रिएट करने के लिए आप कितने भी ट्रूप्स छोड़े पर वो फनल क्रिएट होना चाहिए जिससे मैक्सिमम ट्रूप्स आपके अंदर जाए। फनल के लिए आपने देखा मैंने पहले किंग यूज़ किया, इलेक्ट्रो ड्रैगन यूज़ किया, नहीं बना तो मैंने पैका भी एक यूज़ किया, फिर इतना बड़ा फनल बना कि हमारा एक भी ट्रूप बाहर नहीं गया, सब अंदर गए और हमारा अटैक हो गया थ्री स्टार्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.